हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन मूवी के डे थर्ड बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, और इसी के साथ आपको बताएंगे कि इस मूवी ने डे टू तक कितनी कमाई कर ली है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस मूवी का नाम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुका है। तो जहां इस मूवी को देखते हुए लोगों ने नॉमिनेशन का नाम सुना, तो दूसरे दिन की कमाई ने 160% की ग्रोथ को छलांग मारी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले दिन इस मूवी ने 96 लाख की कमाई की और दूसरे दिन 2,52,00,000 रुपए इस मूवी ने कमा लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि तीसरे दिन ये मूवी क्या कमाल करके दिखाने वाली है? मेरे हिसाब से ये मूवी एक बार फिर से संडे को 3 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है, क्योंकि ये मूवी इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई मूवी ऑस्कर के लिए जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जहां फर्स्ट डे की कमाई और सेकेंड डे की कमाई मिला के 3.48 करोड़ रुपए इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है। तो अब आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में यानी तीसरे दिन इसका टोटल बॉक्स ऑफिस की कमाई क्या हो सकती है? क्यों राजकुमार राव की एक एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा सराहा गया है और जो स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही एक अलग तरह से दिखाई गई है। तो आप लोगों ने भी ये मूवी देखी होगी, आपको कैसी लगी राजकुमार राव की ये मूवी और उनकी एक्टिंग के बारे में भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ आप ये भी बता सकते हैं ये मूवी थर्ड डे में कितना कलेक्शन करेगी। मेरे हिसाब से ये मूवी 2.5 से 3 करोड़ रुपए एक बार फिर से संडे के दिन कलेक्शन करेगी, क्योंकि लोगों की छुट्टी है और लोग इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और हम आपके नाम कल लेके आएंगे मॉर्निंग में, वही 12 बजे के करीब आपको बताएंगे कि किन लोगों ने कितना प्रेडिक्शन किया था और किन लोगों के क्या आंसर्स थे। तो दोस्तों, बस हमसे जुड़े रहने के लिए वो जो बॉलीवुड चलोगे में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों